तो दोस्तों आज ही वीडियो के अंदर आपको दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा मेनली इसी तरह जो न्यू चाइना कलर टीवी किट मार्केट के अंदर देखा जाता है। तो इसका अंदर ये देखिए, ये पोजीशन पर ऑडियो और वीडियो इनपुट आउटपुट का इसका अंदर पॉइंट नहीं है, ठीक है। बट इसका अंदर ये दो जो इनपुट आउटपुट जैक इस तरह देखा जाता है, कुछ कुछ पीसीबी के अंदर तीनों जैक देखा जाता है। बट दोस्तों यहाँ पर तीनों पॉइंट लगाने का इस तरह पॉइंट लगाने का पोजिशन है, बट यहाँ पर कुछ भी पॉइंट नहीं है, क्योंकि आपको बताऊंगा ये पीसीबी का पूरा डिटेल्स कि ये जो ऑडियो वीडियो इनपुट पोजीशन अब हो सकता है कि न्यू पीसीबी मार्केट से लेके आया और किस तरह इसको ऑडियो वीडियो कनेक्शन करना पड़ेगा। आपको क्यों ये वीडियो बना रहा हूँ कि एक कमेंट के अंदर मैं देखा, ठीक है, आप ये पीसीबी का अच्छा करके देख सकते हो, ठीक है। वो कॉमेंट के अंदर जो देखा आपको ये वीडियो के अंदर वो क्लियर करना चाहता हूँ कि ये जो पीसीबी आप अच्छा करके देखिए, इसके अंदर दो पॉइंट है, तीन पॉइंट नहीं है। तो तीन पॉइंट का काम क्या है, दो पॉइंट का काम क्या है, और इसका साथ इसी तरह वायर देखा जाता है, ठीक है, इसी तरह वायर देखा जाता है, तो ये वायर को कैसे कनेक्शन करें। तो दोस्तों आपको पूरा डिटेल्स बताऊँगा ये वीडियो के अंदर, ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये जो वायर है कौन पोजीशन पर कौन सा वायर को कनेक्शन करना पड़ेगा, किस तरह ऑडियो वीडियो पॉइंट को कनेक्शन करना पड़ेगा आपको ये वीडियो के अंदर दिखाऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए फर्स्ट दोस्तों इसी तरह दो पॉइंट, एक ऑडियो वीडियो इनपुट का इनपुट वन का और एक ऑडियो वीडियो इनपुट टू का, ठीक है। तो वन और टू दोनों अलग होता है, और एक जो पॉइंट देखा जाता है तो दोस्तों वो ऑडियो वीडियो आउटपुट का। तो आउटपुट अभी काम पर नहीं आता है, ओनली जो ज़रूरत पड़ता है ऑडियो वीडियो इनपुट का। आप वन पर भी इन कर सकते हो, टू पर भी इन कर सकते हो, कुछ भी एक साइड से आप इन कर सकते हो, काम चल जाएगा। तो किस तरह करना पड़ेगा कि वन पर करना पड़ेगा कि टू पर करना पड़ेगा, आप दोनों पॉइंट पर भी ए भी वन और ए भी टू कनेक्शन कर सकते हो। आप ओनली ए भी वन पर भी कर सकते हो, ओनली ए भी टू पर भी कर सकते हो। तो कौन सा ए भी वन है, कौन सा ए भी टू है, ये आपको ये वीडियो के अंदर क्लियर करके बताऊंगा। और उसका साथ मैं बताऊंगा कि इसका अंदर देखिए एक दो तीन चारों पॉइंट देखा जाता है, ठीक है, चारों पॉइंट का कनेक्शन किस तरह करना पड़ेगा, और ये जो पॉइंट है इसका अंदर भी चारों पॉइंट है, ये चारों पॉइंट का कनेक्शन किस तरह करना पड़ेगा, और एक एक पॉइंट कौन सा पॉइंट का नाम क्या है, ये भी आपको वीडियो के अंदर बताऊंगा। आप ये वीडियो लास्ट तक वॉच कीजिए, आप खुद ही ये कनेक्शन कर सकते हो। देखिए इसी तरह जो चारों पॉइंट वाला वायर देखा जाता है, इसका अंदर भी चारों पॉइंट है, ठीक है। देखिए ये फर्स्ट वाला ब्लैक है, ठीक है, और उसके बाद ब्राउन, और उसके बाद रेड है, और उसके बाद दोस्तों ऑरेंज है। तो इतना कलर देखने का ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों जो कमेंट जिस टाइम आया और मैं कमेंट के अंदर आंसर दे दिया, तब भी आपको वीडियो के अंदर प्रैक्टिकली करके दिखाना चाहता हूँ। मैं ऑलरेडी इसी तरह जो ऑडियो वीडियो इनपुट जैक है इसके अंदर मैं ऑलरेडी कनेक्शन किया, इसके अंदर भी चारों पॉइंट है, अब देख सकते हो चारों पॉइंट है, चारों वायर है। तो कौन पोजिशन पर कौन सा कनेक्शन करना पड़ेगा, ठीक है, जो सही तरीका है आपको ये वीडियो के अंदर बताऊँगा, और ये चारों पॉइंट है, ठीक है। फर्स्ट आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर जो तीनों पॉइंट दिखा जाता है, तीनों पॉइंट के अंदर जो येलो होता है अधिकतर येलो पॉइंट के अंदर वीडियो इनपुट करना पड़ता है, ठीक है। और उसके बाद ये जो रेड है और वाइट है, ये दोनों पॉइंट के अंदर ऑडियो सिग्नल को इनपुट करना पड़ता है, ठीक है। तो ओनली ये पूरा अलग है, येलो वाला ये वीडियो पॉइंट वीडियो सिग्नल इनपुट का, ठीक है। तो इस तरह ये जो पॉइंट है आप यहाँ पर लगाएगा तो ये भी कनेक्शन कर सकते हो इस तरह, और यहाँ पर लगाएगा तो तब भी ये काम चल जाएगा। बट आपको ये जो पॉइंट है, ये कनेक्शन मार्केट पर जो पीसीबी न्यू देखा जाता है इसी टाइप पीसीबी, इस तरह कनेक्शन देही नहीं मिलता है, तो आपको खुद को ही कनेक्शन करना पड़ता है। तो किस तरह कनेक्शन करना पड़ेगा तो दोस्तों चलिए मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ। देखिए फर्स्ट इसका अंदर चारों पॉइंट है, चारों पॉइंट का अंदर क्या होता है, तो दोस्तों चारों पॉइंट का अंदर एक पॉइंट होता है जो निगेटिव का, और एक पॉइंट होता है वीडियो का, और दो पॉइंट होता है ऑडियो का, ठीक है। तो चलिए ये पीसीबी का आपको इस तरह उल्टा करके आपको दिखाता हूँ, आप अच्छा करके देखिए, और वीडियो ये पोजीशन को थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ। देखिए ये जो चारों पॉइंट है, ठीक है, थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं आपको बहुत क्लियर करके दिखाऊँगा।
मीटर को दोस्तों आपको बार जार मूछ पर रखना पड़ेगा, ठीक है। मीटर को मैं बार जार मूछ पर सिलेक्ट किया, और उसके बाद देखिए यहाँ पर चारों पॉइंट है, देखिए एक पॉइंट और ये दो पॉइंट जॉइंट है, और उसके बाद यहाँ पर तीनों पॉइंट है, ठीक है, सॉरी चार पॉइंट है, ये एक नंबर पॉइंट और ये दो पॉइंट जॉइंट है और ये नीचे एक पॉइंट है। देखिए फर्स्ट आपको नेगेटिव को पकड़ना पड़ेगा। नेगेटिव कौन सा है कि ये जो ईएसटी है, ठीक है, ये जो ईएसटी है, ईएसटी का एक नेगेटिव है, ठीक है, और ये नेगेटिव के साथ जो ट्यूनर कनेक्शन रहता है, ये जो ट्यूनर का ये चौड़ा वाला पॉइंट है, यहाँ पर ट्यूनर का जो नेगेटिव पॉइंट रहता है ये भी नेगेटिव है, ठीक है। तो ईएसटी का नेगेटिव के साथ ये नेगेटिव, देखिए टच करके आपको दिखाता हूँ, देखिए मीटर, मीटर का अंदर बार्जर बाज रहा है, ये 00 ओम्स रीडिंग शो हो रहा है, ठीक है। इसी तरह ये जो चारों पॉइंट है, चारों पॉइंट का अंदर आपको एक एक पॉइंट के साथ टच करके देखना पड़ेगा, मतलब ये पॉइंट के साथ टच करने के बाद पूरा कंटिन्यूटी मिल रहा है, मतलब ये पॉइंट नेगेटिव है, ठीक है, ऊपर वाला पॉइंट नेगेटिव है, और इसका इसी तरह कंटिन्यूटी ये अलग अलग पॉइंट पर देखने को नहीं मिलेगा। तो आपको कन्फर्म इस तरह करना पड़ेगा कि जिस पॉइंट के साथ बार्जर बाजेगा नेगेटिव के साथ, ठीक है, वो पॉइंट होगा नेगेटिव। क्लियर हो गया। और दोस्तों ये नीचे वाला पॉइंट जो है इसका साथ आपको कंटिन्यूटी चेक करके दिखाता हूँ कितना कंटिन्यूटी मिल रहा है, 73 ओम्स। अब मीटर पर देखिए 73 ओम्स कंटिन्यूटी शो हो रहा है, इसका मतलब कि 100 ओम्स का आसपास, ठीक है, जिस पॉइंट से नेगेटिव का साथ ओम्स मिलेगा तो दोस्तों वो होगा वीडियो सिग्नल इनपुट का पॉइंट, ठीक है। तो हो गया ये वीडियो सिग्नल इनपुट का पॉइंट और हो गया ये नेगेटिव, और उसके बाद जो दो पॉइंट मिलेगा तो दोस्तों वो दो पॉइंट होगा ऑडियो इनपुट का, वो अलग अलग हो सकता है और जॉइंट भी हो सकता है। इसका ओम्स दोस्तों बहुत हाई मिलेगा, तो चलिए नेगेटिव के साथ इसका ओम्स भी दिखाता हूँ, देखिए कुछ भी रीडिंग मीटर पर नहीं आ रहा है। क्लियर हो गया। तो चलिए उसके बाद ये जो अलग सा अलग पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट को आपको चेक करके दिखाता हूँ इसका अंदर कौन सा नेगेटिव है। आसान तरीका, मीटर का नेगेटिव कॉर्ड ये नेगेटिव पर रखना पड़ेगा, और उसके बाद ये पॉइंट पर देखिए ये नेगेटिव पॉइंट है, ठीक है, और ये साइड देखिए जो रीडिंग शो हो रहा है, देखिए 99 ओम्स शो हो रहा है, ठीक है, 99 ओम्स शो हो रहा है मीटर का अंदर। तो दोस्तों ये वीडियो इनपुट का, और ये मिडिल दो पिन जॉइंट है ये ऑडियो का, इसका ओम्स देखिए बहुत हाई है। तो क्लियर हो गया दोस्तों। तो हो सकता है ये जॉइंट नहीं है, अलग अलग है, तो दोस्तों तब भी आप मीटर से चेक करेगा तो इसका ओम्स बहुत हाई मिलेगा, जो दोस्तों 100 ओम्स का ऊपर। तो देखिए ये 100 ओम्स का आसपास, आपको थोड़ा सा कम बेसी आप देख सकते हो, देखिए अभी ये वीडियो इनपुट का, ठीक है। तो किस तरह कनेक्शन करना पड़ेगा, देखिए ये जो वायर है, ये वायर को आपको इस तरह, तो चलिए दोस्तों चलिए उसका पहले आपको एक बार बताना चाहता हूँ कि कौन सा ऑडियो वीडियो इनपुट वन का और कौन सा ऑडियो वीडियो इनपुट टू का, ये आप कन्फर्म कर सकते हो। तो दोस्तों ये जो वीडियो पॉइंट आपको दिखाया, ठीक है, ये वीडियो पॉइंट लाइन को आपको इस तरह चेक करना पड़ेगा, बीच में एक जम्पर है और ये जो लाइन जा रहा है दोस्तों, ये जो बीच में एक नेगेटिव ये रेजिस्टेंस है, ये 100 ओम्स का आसपास रेजिस्टेंस नेगेटिव के साथ कनेक्शन देखा जाता है, जो वीडियो सिग्नल को फिल्टरिंग करने के लिए, नॉइस को फिल्टर करने के लिए, ये नेगेटिव के साथ जो 100 ओम्स का आसपास रेजिस्टेंस यूज़ होता है ये वीडियो लाइन का अंदर ही यूज़ होता है, ठीक है। और उसका बाद ये जो वीडियो लाइन का अंदर और एक रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है बीच में दोस्तों एक कैपेसिटर है, और कैपेसिटर का बाद एक आईसी का पिन का अंदर चला जाता है, ठीक है, ये जो प्रोसेसर आईसी है इसका अंदर चला गया। तो दोस्तों ये जो पिन है ये 88 का आईसी है, तो जितना 88 का आईसी होता है उसका 24 नंबर पिन पर जो वीडियो सिग्नल इन होता है, तो 24 नंबर पिन दोस्तों वीडियो टू का, ठीक है दोस्तों, ये 24 नंबर पिन वीडियो टू का, मतलब ये जो पॉइंट है ये वीडियो टू का, वीडियो इनपुट टू का। और उसके बाद ये जो जो जैक है, ये लाइन से जो वीडियो सिग्नल जा रहा है, देखिए बीच में एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का बाद दोस्तों यह से एक पॉइंट है जो एक कैपेसिटर से ये साइड चलाया, ठीक है, ये साइड पर एक पिन पर आता है 56 नंबर पिन, ठीक है, ये साइड का अंदर एक 56 नंबर पिन है।
तो 56 नंबर पिन वीडियो सिग्नल इनपुट वन का, ठीक है, मतलब ये जो पॉइंट है वीडियो सिग्नल इनपुट वन का पॉइंट है, ठीक है। अब वन पर लगाएगा तो आपको रिमोट से ए भी मोड वन करना पड़ेगा, और टू पर लगाएगा तो आपको रिमोट से वीडियो सिग्नल इनपुट टू पर ये जैक को कनेक्शन करेगा, तो आपको रिमोट से वो पॉइंट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो दोस्तों यही तरीका है, और ये जो अलग अलग पॉइंट है, ये जो अलग अलग जैक है, इसको किस तरह करना पड़ेगा कनेक्शन। देखिए, इसको मान लो आप ये टू पर कनेक्शन किया, ठीक है, और आपको देखा कि इसका ऊपर पोजीशन नेगेटिव है, तो ऊपर पोजीशन का वायर क्या है? तो दोस्तों ये ऊपर पोजीशन का वायर ये नेगेटिव है, कलर देखने का ज़रूरत नहीं है कि इसका ब्लैक कलर इधर है, मतलब ये नेगेटिव नहीं है, ठीक है। और ये जिस तरह जैक को पॉइंट को मैं कनेक्शन किया, ये जो जैक पॉइंट है, देखिए इसका तीनों पॉइंट एक साथ कनेक्शन है, मतलब ये नेगेटिव है, और इसका साथ जो ये साइड होगा तो दोस्तों ये नेगेटिव होगा। जिस तरह मैं ये जो वायर देखिए, इसका कलर देखिए, जिस तरह मैं इसको कनेक्शन किया, ठीक है दोस्तों। और इसका नीचे जो ब्लैक वाला पॉइंट है, आपको ये साइड देखा कि ये साइड वीडियो का, ठीक है, तो मतलब ये ब्लैक वायर वीडियो का। तो दोस्तों ये जो जैक है, ठीक है, ये जैक का ये वायर का आपको वीडियो पर कनेक्शन कराना पड़ेगा, ठीक है। जिस तरह मैं इसको किया, देखिए इसका जो ब्लैक वायर है, ठीक है, ये ब्लैक वायर को मैं कहाँ पर कनेक्शन किया, आप अच्छा करके देखिए, ये देखिए, ये जो सिंगल पॉइंट है, देखिए यहाँ से जो लाइन जा रहा है, यहाँ पर जो कनेक्शन है, ये वीडियो पॉइंट मैं यहाँ पर कनेक्शन किया, ठीक है। अब देखिए येलो वाला पॉइंट है, और उसके बाद जो दोनों पॉइंट बस जाता है, तो ये दोनों ये पॉइंट पर आता है और ये पॉइंट पर आता है, तो दोस्तों ये दोनों ऑडियो सिग्नल इनपुट का। दोस्तों सिंपल था ये कनेक्शन है, ये डरने का कोई बात नहीं। तो दोस्तों इसी तरह वीडियो मेनली न्यू टेक्नीशियन के लिए मैं ये वीडियो बनाया, ठीक है। तो आप कमेंट करते रहिए कौन सा टॉपिक का ऊपर वीडियो आप देखना चाहता हो, ठीक है। दोस्तों बहुत दिन पर मैं ये वीडियो बनाया, तो ये वीडियो के अंदर जो इन्फॉर्मेशन आपको शेयर किया, आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और ये चैनल पर आप नया है तो ये चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये वीडियो के अंदर क्या बताया, तो ये जो जैक पॉइंट है, ये जैक पॉइंट को किस तरह कनेक्शन करना पड़ेगा, आपको ये वीडियो के अंदर बताया। तब भी आपका मन में कुछ डाउट चलेगा तब जरूर कमेंट करके बताते मैं ये टॉपिक के ऊपर। तो दोस्तों कमेंट के अंदर कमेंट कीजिए, मैं आपको क्लियर करने के लिए कोशिश करूँगा। थैंक यू दोस्तों।